नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों जैसा कि पता है कि झारखंड में 26,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली होनी है दोस्तों, लेकिन इससे पहले दोस्तों जब तक से बहाली नहीं हो जाती है तब तक के लिए वॉलेंटियर्स की बहाली की जाएगी और वॉलेंटियर्स जो होंगे दोस्तों वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बातें सामने आई हैं आज के अपडेट में। तो अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं जे टेट से रिलेटेड तो सबसे फास्ट अपडेट यहां पर आपको मिलते रहता है, सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट यहां पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा यहां पर। और तो आज बात कर लेते हैं जो अपडेट आया है आज का अपडेट, ठीक है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे वॉलेंटियर, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे वॉलेंटियर, कहने का मतलब है कि जब तक जो परमानेंट टीचर हैं स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वॉलेंटियर पढ़ाएंगे बच्चों को, और इनके लिए अलग से प्रक्रिया होगी, इनके लिए अलग से प्रक्रिया होगी। इनका बहाली का जो कंडीशन होगा वो अलग होगा, तो उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल आज का अपडेट देख लेते हैं, एक नज़र इन आंकड़ों पर देख लीजिए। ये आंकड़े बार बार सामने आ रहे हैं, आप लोग को पता ही है। प्रारंभिक स्कूल यहाँ पर 35,437 हैं, वेतनमान वाले शिक्षक 57,000 हैं, सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक 62,000 हैं, स्कूलों में खाली पद है 26,000, ठीक है। पहली से आठवीं के बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक, स्थायी शिक्षकों की बहाली तक ली जाएगी सेवा। तो जब तक स्थायी शिक्षक बहाल नहीं हो जाते हैं तब तक वॉलेंटियर्स पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर न्यूज देख लेते हैं क्या है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब वॉलेंटियर बहाल किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वॉलेंटियर बहाल किए जाएंगे। जब तक स्कूलों में नियमित शिक्षक नियुक्ति नहीं हो जाते तब तक वॉलेंटियर के माध्यम से स्कूली बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों में रिपोर्ट मांगी है। तो सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द ही इनको बहाल किया जाएगा। छात्रों व शिक्षकों की संख्या मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से स्कूल वार छात्र छात्रा और शिक्षकों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस स्कूल में कितने वॉलंटियर की ज़रूरत है, और इसके लिए जारी होगा गाइडलाइन कि वॉलंटियर को किस तरह से बहाल किया जाएगा, बहाली ली जाएगी, उनके लिए अलग से गाइडलाइन जारी होगा, ठीक है। 26,000 शिक्षकों के पद खाली हैं राज्य में, 35,437 प्रारंभिक स्कूलों में, 57,000 वेतनमान वाले शिक्षक हैं और 62,000 सहायक अध्यापक यानी कि हैं, और 26,000 जो हैं खाली हैं, ठीक है। तो ये सारी अपडेटें हैं। और यहाँ पर प्लस टू टीचर के लिए भी अपडेट आया है, प्लस टू शिक्षकों की भी मांगी गई है लिस्ट। ये इसका मैंने पहले एक दिन पहले ही वीडियो दिया था, तो आप लोग तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए क्योंकि वैकेंसीज तो आने वाली हैं, एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए और अपडेट के लिए बने रहिए। यहाँ पर प्लस टू के लिए भी सभी ज़िलों से लिस्ट मांगी गई है, कितने शिक्षक हैं और कितने स्टूडेंट हैं, कितनी शिक्षकों की ज़रूरतें हैं। तो फिलहाल आज का ये जो अपडेट था ये था वॉलेंटियर्स की बहाली को लेकर के। वॉलेंटियर फिर उनको नियुक्ति जब हो जाएंगे, परमानेंट टीचर की नियुक्ति हो जाएगी 26,000, तब उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक बहाली नहीं होगी तब तक पढ़ाएंगे वॉलेंटियर्स। तो आज का अपडेट था, और इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहना है बिल्कुल। धन्यवाद।